उसका असर कुछ अलग ढंग से पड़ा। पहले विरोध हुए और अब वो विरोध प्रदर्शन हिंसक होते जा रहे हैं। हमारे साथ उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू हैं। जनरल राजू सर, क्या हो गया है? ये तो बड़ी रेडिकल योजना थी, एक ऐतिहासिक बदलाव था, फिर इतना विरोध क्यों हुआ? और मेरे हिसाब से कुछ कम्युनिकेशन में शायद हो सकता है कि कुछ कमियां हों। शुरू में था कि जो कुछ नौजवान जो पहले कुछ परीक्षा में शामिल हुए थे और कोविड की वजह से वो प्रक्रिया रुक गया था, और अभी वो देख रहे थे कि वो एज बार हो गए थे। आई थिंक गवर्नमेंट इसके बारे में सोच विचार करके एज का एक्सटेंशन कर चुका है। सो उन जवानों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपना इलाके में जाइए, रिक्रूटमेंट रैली जो आगे कुछ टाइमों में जो अनाउंस होगा उसके बारे में सोच विचार करिए, और दोबारा कॉम्पीट करके अग्निवीर बन के आइए। और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि जो 4 साल के बाद क्या होगा उसके बारे में भी कई प्रश्न उठते हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 4 साल के अंदर आपको तकरीबन 11.72 लाख तनख्वाह मिल रहा है, और साथ में एट द एंड ऑफ इट आपको मिल रहा है तकरीबन 11.71 सेवानिधि पैकेज। एक जवान जो अग्निवीर बन के 18 साल में अगर आया हो, 22 साल के अंदर उसको ये तनख्वाह मिल रहा है, वो पैसा लेके आगे अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकता है। गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसको बोला है कि अगर 10वीं क्लास से आ रहा है तो आपको 12वीं क्लास माना जाएगा, ताकि आगे आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने बोला है कि आपका ये जो 4 साल की नौकरी है उसको स्किल के दौरान आपने जो सीखा है उसको क्वांटिफिकेशन किया जाएगा, ताकि आगे आपको नौकरी के लिए मौका मिलेगा। ये पैसा लेके आप खुद एक धंधा भी चालू कर सकते हो विद दिस मनी। मोर इम्पॉर्टेंटली, ये धंधा चालू करने के लिए गवर्नमेंट ने ये भी प्राविधान किया है कि ये जो सेवानिधि पैकेज अगर बैंक में रख के आपको 18.2 लाख रुपए की लोन भी ले सकते हो 3 साल के दौरान। सो गवर्नमेंट ने सोच विचार करके ऐसा कई प्राविधान किया है ताकि एक यंग जवान को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हो। आपकी जानकारी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम ने बोला है कि CFPF के अंदर उनको जाने का मौका दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंटों ने बोला है कि पुलिस के अंदर भर्ती करने के लिए उनको मदद करेंगे। प्राइवेट इंडस्ट्रीज कई आगे आके बताया है कि हम ऐसे जवान को लेना चाहते हैं। सो ये मान के चलो कि ये नौजवान अग्निवीर जो बन के आएगा 4 साल के अंदर, उसको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा, अलग ट्रेनिंग मिलेगा, और इस टाइप की जवान को आगे मौकों की कोई कमी नहीं है जितने